जिला सोलन के परमाणु बैरियर, चक्की मोड़ और जाबली यूनिट के शराब के ठेके मालिकों को विभाग द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद फीस अदा नहीं की गई। विभाग ने इन ठेका मालिकों पर कार्रवाई अमल में लाते हुए इन यूनिट के तहत आने वाले 7 ठेकों को सील कर दिया है। राज्य एवं कराधान विभाग ने करीब 1,10,00,000 रुपए की लाइसेंस मासिक फीस अदा न करने पर सोलन जिला में 7 शराब के ठेकों को सील कर दिया है। विभाग ने इन शराब ठेके मालिकों को पैसा जमा करवाने के लिए कई बार नोटिस दिया, लेकिन पैसा जमा नहीं करवाया गया। राज्य एवं कराधान विभाग हर वर्ष शराब के ठेकों की नीलामी करता है, जिसके लिए फीस निर्धारित की जाती है। इस फीस में से कुछ पैसे पहले वसूल लिए जाते हैं, जबकि बची हुई फीस की राशि मासिक किश्तों में जमा करनी होती है। लाइसेंस फीस के तौर पर जमा की जाने वाली राशि करीब 1,10,00,000 रुपए बकाया होने के चलते राज्य कर एवं कराधान विभाग ने परमाणु बैरियर, चक्की मोड़ और जाबली यूनिट के तहत 7 शराब के ठेकों को सील कर दिया। राज्य कर एवं आबकारी उप आयुक्त हिमांशु पवन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि विभाग ने 7 ठेकों को मासिक लाइसेंस फीस जमा ना किए जाने पर ये कार्रवाई अमल में लाई है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों द्वारा फीस जमा करवाने के उपरांत ही उन्हें ठेके खोलने की विभाग से अनुमति प्रदान की जाएगी। सोलन जिला में जो गत दिन कार्रवाई की गई है, वो 2 यूनिट्स हैं हमारे, परमाणु बैरियर यूनिट और चक्की मोड़ जाबली यूनिट। ये 2 यूनिट है, इसमें पड़ने वाले तकरीबन 7 शराब के ठेकों को हमने सील कर दिया है, क्योंकि उनकी तकरीबन 1,10,00,000 की जो रिटेल एक्साइज ड्यूटी उनको जो मासिक उस पर देनी होती है, किस्तों में देनी होती है, वो नहीं दे पा रहे थे। उनको हमने पहले नोटिस देकर इतला किया और उनको कहा गया कि आप समयबद्ध तरीके से इसको जमा करवाएं, लेकिन उन्होंने अनुपालना नहीं की, जिस कारण फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ी और हमने सील करने के बाद जो है मामला कलेक्टर साउथ जोन को प्रेषित कर दिया। ये तकरीबन 1,10,00,000 के आसपास अमाउंट बनता है जो उनसे ड्यू था। इसमें हमारा गवर्नमेंट रेवेन्यू हमने सिक्योर करने के लिए ये कार्रवाई करी है और अब मामला जो है वो अधिकारियों को भेजा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।